हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात होगी दो टॉपिक पे। सबसे पहले एसटीईटी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन जो आजकल चल रही है इस पे, और दूसरा हमारा टॉपिक होगा जो छठे फेज़ की बहाली चल रही है। जो एसटीईटी 2012 वाले कैंडिडेट अभी जो छठे फेज़ में बहाली में शामिल हैं, इनको आगे कैरी करने के लिए, क्योंकि इनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ गई है, इसलिए जो बचे हुए कैंडिडेट होंगे उनको सातवें फेज़ आठवें फेज़ में लाने की जो बातें चल रही हैं आजकल, इससे 2019 वाले जो कैंडिडेट हैं एसटीईटी 2019 वाले, इनको क्या नुकसान होगा और क्या सच में फिक्र कर रही है, कोई ज़रूरत है एसटीईटी 2012 वालों की वैलिडिटी बढ़ने के बाद? तो ये तमाम चीज़ें होंगी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं एसटीईटी सर्टिफिकेट के बारे में। एसटीईटी सर्टिफिकेट आजकल मिल रहा है फिजिकल एजुकेशन टीचर वाले जो कैंडिडेट थे उनको। फिजिकल एजुकेशन टीचर और बाकी सब्जेक्ट्स में एक फ़र्क है। अगर आप एसटीईटी 2019 का नोटिफिकेशन देखें तो उसमें किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी वैकेंसी है ये पहले से पता थी, लेकिन फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो उसमें डिक्लेयर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप इनका रिजल्ट देखेंगे तो कुल 3508 कैंडिडेट को सक्सेसफुल डिक्लेयर किया गया और क्वालिफाइंग स्कोर पर ही किया गया। कोई कट ऑफ वट ऑफ नहीं था, कोई जो क्वालिफाइंग स्कोर था, जो भी वहाँ तक पहुँच गया कैंडिडेट, उसको आज के टाइम पे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है फिजिकल एजुकेशन टीचर में। अब किसी के पास भी एक सर्टिफिकेट हो तो उसके क्या मायने हैं? सबसे पहले तो आप इस बात को भी समझें कि जो कि नोटिफिकेशन साथ साथ था, एग्जामिनेशन भी साथ साथ होना था, लेकिन बाकी ऊपर केस हो गया था इसलिए एग्ज़ाम साथ साथ नहीं हो पाया। किसी भी कैंडिडेट के पास अगर एसटीईटी सर्टिफिकेट है तो वो मान्य है कि शिक्षक बहाली में वो भाग ले सकता है। ये मैटर नहीं करता है कि उसका स्कोर 68 है कि 108 है, लेकिन अगर किसी भी कैंडिडेट के पास एसटीईटी सर्टिफिकेट है तो वो बहाली में भाग ले सकता है। जो तीन सब्जेक्ट के बचे हुए रिजल्ट हैं, इसके आने के बाद एसटीईटी के तमाम सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और मुमकिन है कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर भी इसी तरह से डीईओ ऑफिस में बुला करके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अभी वेट कीजिए, अभी तो आगे किस तरह से सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरह से आपके कौन से मार्क्स की इम्पोर्टेंस सरकार कंसिडर करेगी, अभी तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने टाइम तक खींचने के वजह से और तमाम तरह के केसेस और तमाम तरह के लफड़े की वजह से बहुत ज़बरदस्त खिचड़ी बन चुकी है और बड़ा ही कन्फ्यूजिंग कंडीशन है। इसलिए खुल के किसी के द्वारा भी 100% श्योरिटी से कुछ बोल देना बड़ा मुश्किल है। आप लोगों ने शिक्षा मंत्री का वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी जिसमें वो खुद ही कंफ्यूज नज़र आ रहे थे शिक्षक बहाली के कई पहलुओं को लेकर के। यानी हाँ, वो एक अलग पहलू है। अब आते हैं एसटीईटी 2012 के बेसिस पर जो कैंडिडेट हैं, जो कि जिनकी वैलिडिटी अब लाइफ टाइम हो गई है, जिनकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लास्ट लाइफ टाइम हो गई है, और उनको आगे के फेजेस में मतलब छठे फेज के बाद भी शामिल करने की जो बात हो रही है, इससे किन सब्जेक्ट्स पर असर पड़ेगा? मैंने बहुत सारे वीडियो क्रिएट किए हैं, बहुत सारे नियोजन इकाइयों का जो मेधा सूची था पिछला वाला, जो कि अब रद्द हो गया, अब 4% लोगों को इंक्लूड करने के बाद फिर से मेरिट लिस्ट बनेगी। बहुत सारे जगहों का, नियोजन इकाइयों का मैंने मेरिट लिस्ट देखा है, आप लोगों को भी दिखाया है। उसमें से जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि कुछ ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर लोग अप्लाई करने वाले थे, लेकिन छठे फेज़ के अंदर कई ऐसे भी सब्जेक्ट थे जहाँ पर अप्लाई करने वाला कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, और जहाँ पर भीड़ दिखती है, जहाँ पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट अवेलेबल हैं, वो सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स पेपर वन है, साइंस है, इस तरह के सब्जेक्ट हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस है या और कई सब्जेक्ट हैं वहाँ पर तो कैंडिडेट मिलना मुश्किल। ये अप्लाई कर देते हैं कई सारे लोग, पर उनके पास एसटीईटी सर्टिफिकेट नहीं होता या उनके पास कोई और कमी होती है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट जब आती है तो उसमें उनका नाम नहीं होता। तो बस इन्हीं जो मैंने ऑब्जर्व किया इतने दिनों तक, छठे फेज़ की जो बहाली को, उसकी बनी हुई पिछली मेरिट लिस्ट को, उसमें मैंने यही पाया कि इन्हीं तीन सब्जेक्ट में ज़्यादा भीड़ है, बाकी सब्जेक्ट में तो कैंडिडेट का मिलना मुश्किल हो रहा है, ये रियलिटी है। बाकी जब अभी वो 4% लोगों को एडजस्ट करने के बाद जब फिर से मेरिट लिस्ट आएगी तो उसको आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और मेरी बात को आप याद रख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैंने कहा था कि सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स पेपर वन में भीड़ दिखती है, बाकी जगहों पर कैंडिडेट नहीं दिखते हैं। अभी भीड़ दिखती भी है तो क्या इसका सातवें फेज़ आठवें फेज़ में फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले तो एसटीईटी 2019 की जो बहाली है जिसको अब सातवां फेज़ कहा जाता है, ये पहले से वैकेंसी इसकी डिक्लेयर थी, तो ये तो वैकेंसी डेडिकेटेड एग्जामिनेशन है एक तरह से, इसमें बाकियों को एडजस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम मान लें कि बाहर किसी को एडजस्ट किया भी जा रहा है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा?
मैं आपको ये कह रहा हूँ कि छठे फेज में कई सब्जेक्ट्स के अंदर कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, और जहाँ पर मिल रहे हैं उन सब्जेक्ट का नाम मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो भीड़ है भी, वो भीड़ मुमकिन है कि छठे फेज में ही मोस्टली एडजस्ट हो जाए, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि छठे फेज के आगे बचेंगे, एसटीईटी 2012 वाले, बहुत कम लोग होंगे, और कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में होंगे, वो ना के बराबर है। तो इसका असर मेरे ख्याल में, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं बहुत सोच समझ के एनालाइज करके इस बात को कह रहा हूँ कि इसका असर बहुत कम होगा। अब सरकार को देखना है कि सरकार कैसे उन लोगों को एडजस्ट करेगी, क्योंकि अगर एसटीटी 2019 की वैकेंसी पहले से डिक्लेयर्ड थी, तो इस वैकेंसी पर सरकार का ये भी कहना है कि जितनी सीट है उतना ही रिजल्ट है, तो फिर बाहर से किसी को लाने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन अभी सरकार को देखना है कि सरकार कैसे एडजस्ट करेगी। जहाँ तक एसटीटी 2012 वालों की बात है, वो कई वजहों से वो लोग अभी तक बचे हुए हैं, या मुमकिन है कुछ और लोग निकल के सामने आ जाएं, पर कुछ लोग निकल के आ भी जाएंगे सामने तो उससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी संख्या बहुत कम होगी। अभी लोग निकल निकले कैसे आते रहते हैं वो देखिए, एसटीटी 2012 जब हुआ था तो बीएड वहाँ पर मैंडेटरी नहीं था, बिना बीएड के लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया, और बाद में लोगों ने बीएड किया। कई सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने कई साल तक प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, और जब वहाँ से फेडअप हो गए तो यहाँ पर फिर बीएड करके यहाँ पर ट्राई करने लगे। तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन लोगों ने पांचवें फेज़ में या छठे फेज़ में पहली बार अप्लाई किया था, पहले दूसरे तीसरे चौथे से वो लोग गायब थे बिल्कुल, और बाद में उन लोगों ने अप्लाई किया था। हालांकि बीएड को जो मैंडेटरी किया था अप्लाई, वो बाद में मैंडेटरी कर दिया था सरकार ने, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने छठे फेज़ में पहली बार अप्लाई किया है, और हो सकता है कई सारे एसटीटी सर्टिफिकेट होल्डर अभी भी कहीं गायब होंगे, या अभी भी बीएड कर रहे होंगे, या अभी भी आगे कहीं से वो आगे के फेजेस में आने की कोशिश में लगे होंगे, ये भी मुमकिन है। पर आएंगे भी तो इनकी संख्या बहुत कम होगी। मेरे ख्याल में मेरा ऑब्जर्वेशन यही कहता है कि जितने भी एसटीटी 2019 वाले हैं, चाहे आप सोशल साइंस के भी हैं, मैथमेटिक्स पेपर वन के भी हैं, साइंस के भी हैं, फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो छठे फेज़ की भीड़ दिख रही है मोस्टली उधर ही एडजस्ट हो जाएगी। इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसी और फेज़ में जाकर के ये लोग जाकर के वहाँ पर अप्लाई करें या वहाँ पर जॉब लेने की कोशिश करें। ये मैं बहुत सारे मेरिट लिस्ट को देखने के बाद ये बात कह रहा हूँ, कई नियोजन इकाइयों की मेरिट लिस्ट देखने के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ। तो अभी के लिए बस यही सारी बातें थी, तो कोई इसकी बात को लेकर के आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, खास करके एसटीटी 2019 वाले, ये कोई आ जाएगा और जॉब कैप्चर करके जाएगा ऐसा नहीं है, बहुत थोड़े से लोग हैं और मोस्टली उधर ही एडजस्ट हो रहे हैं, और एसटीटी 2019 की वैकेंसी पहले से डिक्लेयर्ड थी, तो सरकार को भी देखना है कि उनके लिए क्या रास्ता निकालेगी, वो सरकार देखे। और छठे फेज की जो मोस्टली जो भीड़ है वो भी उधर ही एडजस्ट हो रही है, 30,000 सीट है, पर उसमें से आधे भी लोग अगर मिल जाए सरकार को तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो अभी के लिए बस यही सारी बातें थी, ओवरऑल मैसेज इस वीडियो का यही है कि चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के कैंडिडेट हों, मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ फैक्टर को लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि भीड़ जो है वो उधर ही एडजस्ट हो जाएगी, और जो थोड़े थोड़े से लोग जो आते रहते हैं हर फेज़ में, ये क्यों आते रहते हैं ये भी मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि कई लोग बीएड बाद में करते हैं, या कई लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं कहीं पर, ये लोग बीच बीच में आते रहते हैं, पर इनकी संख्या इतनी कम होती है कि इसको लेकर के कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए बस यही सारी बातें थी, आगे एसटीटी से जुड़ी हुई कोई भी खबर आती है, अपडेट आती है, जल्दी जल्दी आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। ट्विटर कैंपेन बड़ा इंपॉर्टेंट है शिक्षक बहाली को लेकर के, इसलिए टेलीग्राम पे एक ग्रुप है एसटीईटी ट्विटर कैंपेन नाम से, आप एसटीईटी ट्विटर ही लिख दें, वहाँ पर वो ग्रुप आ जाएगा, उस ग्रुप में ज्वाइन ज़रूर कीजिए। आगे की जो भी ट्विटर कैंपेन चलेगी इस बहाली को लेकर के, उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल होता है। तो अभी के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू।